सीधे लेकर चलते हैं सैफई, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने। रहे हैं जहां सैफई सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं धरती पुत्र कहे जाने वाले मुलायम सिंह को श्रद्धांजलि देने। बता दें, समाजवादी पार्टी के संस्थापक व संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। हर कोई गमगीन नजर आ रहा है, हर कोई दुख व्यक्त कर रहा है। हम आपको सैफई से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर नजर आ रहा है, वहीं कई नेता और कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। सभी लोग भावुक नजर आ रहे हैं, हर कोई उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। बड़ी संख्या में लोग सैफई पहुंचे हैं धरती पुत्र कहे जाने वाले मुलायम सिंह को श्रद्धांजलि देने। बता दें, सपा संरक्षक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का आज निधन हो गया। वे 42 साल के थे, उन्होंने आज सुबह 8:16 पर अंतिम सांस ली। वहीं अब उनका पार्थिव शरीर सैफई लाया गया है, जहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, नेता और साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। आपको लाइव तस्वीरें सैफई से दिखा रहे हैं, जहां सीएम योगी काफी भावुक नजर आ रहे हैं, जहां स्वतंत्र देव सिंह भी नजर आ रहे हैं, शिवपाल यादव भी हैं और अखिलेश यादव भी वहां नजर आ रहे हैं। हर कोई गमगीन नजर आ रहा है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भी वहां मौजूद हैं। सपा नेता अखिलेश यादव भी नजर आ रहे हैं। हर कोई भावुक नजर आ रहा है। बता दें, 82 साल की उम्र में मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया, जिसके बाद आज सैफई उनका पार्थिव शरीर लाया गया है, जहां से आपको सीधे लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बता दें, भूपेंद्र चौधरी भी मौके पर मौजूद हैं, वहीं कई बड़े नेता और राजनेता मौजूद हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ भी नजर आ रहे हैं। हर कोई गमगीन नजर आ रहा है, हर कोई भावुक नजर आ रहा है। बता दें, कल सैफई में अंतिम संस्कार होगा मुलायम सिंह यादव का। 3 बजे उनका, दोपहर 3 बजे अंतिम संस्कार होगा। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। बता दें, अभी से ही सैफई में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, नेता पहुंचे हुए हैं। सैफई में अंतिम दर्शन कर रहे हैं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, नेता और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। सैफई से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। हर कोई भावुक नजर आ रहा है।
बता दें कल 3 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बता दें आज पूरा भारत शोकाकुल है, हर तरफ उदासी का माहौल है। राजनीतिक गलियारे के मास्टर नेता कहे जाने वाले मुलायम सिंह अब हमारे बीच में नहीं है। आपको बता दें कि मुलायम सिंह काफी लंबे अरसे से बीमार चल रहे थे। अपनी बीमारी के चलते ही मुलायम सिंह ने अपने प्राण त्याग दिए और वो अब हमारे बीच नहीं है, इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। बता दें राजनीति जगत के दिग्गज नेता मुलायम सिंह अब नहीं रहे। मुलायम सिंह की मौत से राजनीतिक गलियारों में चारों तरफ गमगीन माहौल है, पूरा देश इस समय शोक में है। आपको सैफई से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर रखा गया है, हर कोई उनके अंतिम दर्शन कर रहा है। अंतिम दर्शन के लिए सैफई में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। पूरा देश इस वक्त शोक में है, सभी की आंखें नम है और मन उदास है। 82 साल की उम्र में मुलायम सिंह ने अंतिम सांस ली। मुलायम सिंह ने, आपको बता दें कि इस वक्त सैफई में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हैं और कल दोपहर 3 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि मुलायम सिंह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। काफी समय से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे, जहां उनका इलाज चल रहा था। लंबे अरसे से अपने स्वास्थ्य से लड़ते हुए आज उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। मुलायम सिंह के लिए हजारों लोगों ने दुआएं मांगी, हवन किए, लेकिन मुलायम सिंह के लिए सब बेअसर रहा। किसी की दुआएं मुलायम सिंह के काम ना आई और आखिर में मुलायम सिंह हम सभी को छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। मुलायम सिंह भले ही अब इस दुनिया को छोड़कर चले गए हों, लेकिन जनता के दिलों में वह हमेशा राज करेंगे। आपको बता दें कि मुलायम सिंह सपा के बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं। उनका सरल स्वभाव लोगों के लिए हमेशा यादगार रहेगा। मुलायम सिंह को जनता से खासा लगाव था और वह जनता की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते थे। सैफई से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, हर कोई उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, हर कोई उनके अंतिम दर्शन कर रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। बता दें मुलायम सिंह का नाम ही नहीं, उनका स्वभाव भी उनके नाम की तरह सरल था और वह जमीन से जुड़े हुए नेता थे। मुलायम सिंह की निधन से पूरे देश में शोक की लहर है, राजनीतिक जगत में एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। सैफई से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, नेताजी के अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी है, हर कोई नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। बता दें नेताजी के अंतिम दर्शन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हैं। ये सैफई से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। बता दें स्वतंत्र देव सिंह भी मौके पर मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, हर कोई पार्थिव शरीर पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। बता दें पैतृक आवास लाया गया है मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर। सपा कार्यकर्ताओं का भारी जनसैलाब देखने को मिल रहा है। सैफई आवास पर मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर रखा गया है। बता दें कल सैफई में इनका अंतिम संस्कार होगा।
करीब 3 बजे अंतिम संस्कार होगा। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। सैफई से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। सैफई में अंतिम दर्शन करने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी है। बता दें, अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है नेताजी का पार्थिव शरीर। सैफई से आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं, अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं, स्वतंत्र देव सिंह भी मौके पर मौजूद हैं। वहीं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, तब तक के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।